नमस्कार, मेरा नाम अथर्व दामाजी हस्ते, मैं ज्ञान प्रबोधिनी नवनगर विद्यालय में पढ़ता हूँ। इस साल हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ इतिहास मंडल नाम का, तो सभी को लगा कि ये प्रोग्राम हिस्ट्री के रिलेटेड होगा, बट वैसा कुछ नहीं था। तो इसमें हमें करना क्या था, तो सोशल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना था और उस पर सॉल्यूशंस निकालने थे। तो ऐसा इस प्रोग्राम का मेन एजेंडा था। इस सब के बारे में हमें गाइडलाइन करने के लिए भक्ति मिस हर मंगलवार को पूना से यहाँ आती थी, उनका बड़ा सहयोग है इस हमारे प्रोग्राम में। तो पहले तो हमारे सब ग्रुप्स बना दिए और हमारा अभी पहला टास्क था कि एक कौन सा, तो एक प्रॉब्लम इसमें से आइडेंटिफाई करना जो हमने सब इकट्ठा किए। तो इसमें से डिसीजन मेकिंग ये पॉइंट हमारा ग्रो हुआ और ये हमें समझ आया, मतलब सभी की राय लेके हमने इस पॉइंट पे ये एक प्रॉब्लम चुना। तो ये प्रॉब्लम था समाज में बढ़ता जाने वाला कचरा। तो इसके बाद मेन स्टेज आती है, वो मतलब रिसर्च। तो सभी बच्चों ने प्राइमरी लेवल पे रिसर्च की स्कूल के सराउंडिंग में, तो कचरे की गाड़ी कब आती है, कब कचरा उठाती है, किस प्रकार से उठाती है, तो वो ओला कचरा सूखा कचरा ऐसे कुछ डिवाइड करते हैं क्या, ये सब जानकारी हमने इकट्ठा की और उस पर हम काम करने लगे। तो इसके बाद मेन होता है वो मतलब एक्शन प्लान। तो सभी बच्चों ने अभी ये कचरा हम कम कैसे करें और ये यूज़ कैसे करें, ये मेन पॉइंट था। तो उसके लिए हमारा एक सेशन हुआ। तो कचरे का मैन्युअल कैसे बनाएंगे, तो ये बात हमें पता चली, जिससे डंप ग्राउंड पे जैसे बढ़ते जाने वाले कचरे से जो वहाँ पे काम करने वाले जो कारागिर रहते हैं उनकी जो परिस्थितियाँ चल रही है वो हमें पता चली। और इसलिए हमारे रिश्तेदारों के घर में ये मैन्युअल कैसे बनाते हैं ये हमने उन सबको बताया। और फिर बहुत बच्चों ने अपने अपने एक्शन प्लान रेडी किए। कुछ बच्चे बोले कि हम दुकान में जाएंगे, वहाँ पे उनकी जो प्लास्टिक की थैलियाँ है दुकानदारों से वो लेंगे और हमारी बनाई हुई कागज़ की थैलियाँ उनको देंगे। कुछ बच्चे बोले कि हम समाज में जाके प्रबोधन करेंगे इसके ऊपर नारा लगाएंगे, ऐसे कुछ बच्चे बोले। कुछ बच्चे बोले कि स्वच्छता ऐप का यूज़ करेंगे। ऐसे बहुत सारे एक्शन प्लान बनाए और उस तरह से सभी बच्चों ने काम भी किया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें सीखे, बहुत सारे इस प्रकार से हमने हमारे समाज में थोड़ा बहुत तो योगदान दिया, कचरा कम किया। और मेन बात मतलब मैं आपको भी बताऊंगा कि कचरा कम कीजिए, उसका रीयूज कीजिए और अपना समाज एक विकसित समाज बनाइए। धन्यवाद।